अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर का, जो कि है आपके पास इंट्रोडक्शन का। तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास साथ रहते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ बायोलॉजी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ को। उसके बाद हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी एक्चुअली है क्या? बायोलॉजी अगर हम लोग देखें तो ये आपके पास जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसमें अगर हम इसके कंपोनेंट्स देखें, दो आपके पास वर्ड्स बनते हैं। एक आपके पास है बायो और दूसरा आपके पास है लोगस। बेसिकली आपके पास ग्रीक वर्ड आ रहा है। बायो का मतलब होता है लाइफ, इसी तरह से लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ। सो इन अदर वर्ड्स हम लोग जो है अगर इसका लफ्जी मतलब लें, वर्बल मीनिंग लें, तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी ब्रांच में हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। तो हम लोग इसे कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ स्टडी ऑफ लाइफ, या फिर दूसरे वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, तो ये तो हो गया आपके पास लाइफ के बारे में। अब जिस तरह से कुकिंग का मतलब होता है खाना पकाना, और कुक का मतलब होता है खाना पकाने वाला, इसी तरह से बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ, और इसको जो है वो पढ़ने वाले को हम लोग नाम देंगे बायोलॉजिस्ट का। सो बायोलॉजिस्ट क्या है? पर्सन विच डील्स विथ बायोलॉजी। ठीक है, ऐसा इंसान जो कि बेसिकली लाइफ के साथ डील करता है या बायोलॉजी के साथ डील करता है, उसे हम लोग कहते हैं कि ये बेसिकली क्या है आपके पास? बायोलॉजिस्ट। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं पर्सन विथ डील्स विथ बायोलॉजी, या फिर हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं पर्सन हु स्टडीज अबाउट लाइफ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं पर्सन हु स्टडीज अबाउट लाइफ, उसे हम लोग कहेंगे कि ये आपके पास क्या है? बेसिकली आपके पास है बायोलॉजिस्ट। अच्छा जी, तो बेसिकली हम लोग बायोलॉजी के अंदर क्या स्टडी कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। इसके अलावा हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को भी जो है वो डिस्कस करते हैं, जिनका कोई ना कोई असर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे किसी भी तरह से। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं वी ऑल्सो स्टडी नॉन लिविंग थिंग्स विच हैव इफेक्ट ऑन लिविंग थिंग्स इन एनी वे। ठीक है, इनकी किसी भी तरह से जो है वो उसके ऊपर जो है वो असरअंदाज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास आ जाता है टेम्परेचर। ठीक है, लिविंग थिंग नहीं है लेकिन क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स को इफेक्ट करती है। जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तो स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत कोल्ड टेम्परेचर हो तो शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी ना किसी तरह से असरअंदाज करती हैं, उसे भी हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे बायोलॉजी के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कि व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ के बारे में हम लोग कहते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे बात की है कि बेसिकली बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ। जैसे हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया कि बेसिकली बायोलॉजी क्या है आपके पास? स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हम लोग लाइफ को डिफाइन कर लेते हैं। लाइफ की अगर हम लोग बात करें कि इस तरह की चीज़ें आती हैं कि लाइफ क्यों है, लाइफ क्या है, या लाइफ कैसे है, इस तरह की चीज़ों के साथ जो है वो बेसिकली बायोलॉजिस्ट डील नहीं करते। इन चीज़ों को हम लोग जो है वो थियोलॉजियंस और फिलोसफर्स के ऊपर जो है वो छोड़ देते हैं। जैसे कई पोइट्स भी आपको बताते हैं कि ज़िंदगी जो है वो आपके पास आग का दरिया है, या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं। और इवन मजहबी जो आपके पास स्कॉलर्स आते हैं, जो आपके पास रिलीजियस स्कॉलर्स आते हैं, वो आपको वो जो है वो लाइफ का जो है वो मीनिंग बताते हैं कि आपके पास लाइफ क्या चीज़ आ रही है। ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट के लिए जो आपके पास जो है वो लाइफ आती है, वो बेसिकली आपके पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं
जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम से सेपरेट करती हैं। ठीक है, तो फॉर बायोलॉजिस्ट हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे लाइफ को, लाइफ की अगर हम लोग डेफिनेशन दे दें फॉर बायोलॉजिस्ट, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं दीज आर द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सेपरेट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यानी कि ऐसी खसूसियात, ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम से जो है वो सेपरेट कर रही हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि खसूसियात की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक हैं जो कि बेसिकली जो है वो सेपरेट कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो अब हम जो है उन करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक हैं जो कि बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो पहला जो आपके पास करेक्टर आता है या पहली जो प्रॉपर्टी आती है उसे हम लोग नाम देते हैं बॉडीज का। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके पास हाईली कॉम्प्लेक्स और हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो तरतीब से जो है वो पाए जाते हैं, यानी कि उनके अंदर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रेजेंट होती है, एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता जाके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो डील करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दे आर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड। एक करेक्टरिस्टिक हो गई, सेकंड इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करें तो सेकंड आपके पास आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा सेल्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास यूनिसेलुलर्स भी आ जाती हैं ऑर्गेनिज्म और आपके पास मल्टी सेलुलर भी आ जाते हैं। ठीक है, यूनी का मतलब ही होता है वन, मल्टीपल का मतलब होता है मैनी। ठीक है, तो यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बिल्कुल एक ही सेल के ऊपर कंपोज हैं उन्हें हम लोग नाम देंगे यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स का। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है बैक्टीरिया। इसी तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स आपके पास कौन से आते हैं, विच आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्लांट सेल आ जाता है, एनिमल सेल आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली जो हैं वो बेसिकली आपके पास बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के जो है वो ऊपर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्स के ऊपर जो है वो कंपोज होती है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, थर्ड पॉइंट आपके पास आ जाता है एटीपी का। एटीपी आपको पता है क्या है कि आपके पास है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो कि बेसिकली आपके पास एनर्जी करेंसी आ जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, एनर्जी करेंसी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो बेसिकली एनर्जी को यूज़ करती हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस एंड यूज एनर्जी। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली आपके पास एनर्जी को प्रोड्यूस भी करते हैं और एनर्जी को यूज़ भी करते हैं। ठीक है, इवन जैसे हम लोग फूड को कंज्यूम करते हैं उसको कंज्यूम करने के लिए भी आपको जो है वो एनर्जी चाहिए होती है, बाद में जो है सेलुलर प्रोसेस से जो है वो फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन
जनरेट एंड यूज एनर्जी, ठीक है। तो ये आपके पास तीन पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो फोर्थ पॉइंट आपके पास आ जाता है जीन्स का। अब आपको बताए जीन्स क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि विरासत का जो आपके पास बुनियादी इकाई होती है वो बेसिकली आपके पास जीन्स होते हैं, ठीक है। बेसिक यूनिट आते हैं इनहेरिटेंस के। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे बेसिकली हैव जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। आइदर वो डीएनए की फॉर्म में हो सकता है, आरएनए की फॉर्म में हो सकता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर आपके पास जो है वो जेनेटिक मटीरियल जो है वो प्रेजेंट होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक आपके पास आ जाता है मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बेसिकली जितने भी आपके पास केमिकल रिएक्शन होते हैं विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको हम कंबाइनली नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। ऑल द केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसे हम लोग नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। इसमें आपके पास दोनों चीज़ें आ जाती हैं, कैटाबॉलिज्म भी आ जाता है और आपके पास एनाबॉलिज्म भी आ जाता है। कैटाबॉलिज्म यानी कि आपके पास कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो हैं वो टूटेंगी और आपके पास सिंपल चीज़ें जो है वो बनेगी। जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स चीज़ से सिंपल चीज़ बनेगी तो हमेशा वो एनर्जी जो है उसको जनरेट करेगी, ठीक है। तो इसमें आपके पास जनरेशन ऑफ एनर्जी आ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो टूटते हैं और आपके पास एनर्जी यानी कि एटीपी की प्रोडक्शन जो है वो करते हैं। इसी तरह से एनाबॉलिज्म क्या है, इसका उलट आ जाएगा, यानी कि सिंपल चीज़ें जो है वो कंबाइन होंगी और कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो है वो बनाएंगी। तो इसके अंदर पिछले प्रोसेस में क्या था कि एनर्जी जनरेट हो रही थी, इसमें आपको क्या है एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं सिंपल चीज़ें जो है वो बेसिकली मिलके कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है ये आपके पास आ जाएगा एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि जिससे आपको जो है खुद से एनर्जी देनी पड़ेगी, जैसे आपके पास फोटोसिंथेसिस आ जाता है, ठीक है। उसमें एनर्जी किस तरह से दी जाती है, सनलाइट आपके पास या सोलर एनर्जी जो होती है वो आपके पास इनपुट ऑफ एनर्जी होती है जो कि बाद में केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ वाला आपके पास आ जाता है ग्रोथ का, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बेसिकली दे इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज यानी कि वो बेसिकली ग्रोथ शो करते हैं, अपने साइज से जो है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है कि बेसिकली आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसको एक कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन करके रखना, डेट इज होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसे एक स्टैटिक लेवल तक जो है वो मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं दे मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एक एनवायरनमेंट जो है उसको कॉन्स्टेंटली वो मेंटेन करके रखते हैं। देन आपके पास पॉइंट आ जाता है रिप्रोडक्शन का। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली आपके पास रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने जैसे जो है ऑफस्प्रिंग्स उनको बर्थ देते हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू देमसेल्व्स, ठीक है। अपनी तरह के जो है वो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, देन हम लोग लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लास्ट जो करेक्टरिस्टिक आपके पास आ जाता है रिस्पॉन्स का, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि बाहर के माहौल में अगर कोई भी चेंज हो रहा होगा तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, बाहर अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा? उसको स्वेट आएगा, यानी कि पसीना आएगा, ठीक है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल स्वेटिंग आ गया। इसी तरह से अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फॉल कर रहा है, यानी कि ठंडा टेम्परेचर हो रहा है, तो उसकी बॉडी जो है वो शिवर करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो शिवरिंग आपके पास एक रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाते हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, ठीक है। तो हम लोग, यानी कि करैक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ या फिर करैक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो हम लोग जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इसके ऊपर जो है वो बेस करके जो है वो डिफाइन करेंगे। तो हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो आप इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हो? हम लोग कहते हैं कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एक ही वक्त पे ये सारी की सारी करैक्टरिस्टिक पाई जाए, उसे हम लोग कहते हैं कि ये आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट विच पोसेसेस ऑल द करैक्टरिस्टिक साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आपके पास डेफिनेशन आ गई, एन ऑर्गेनिज्म विच possesses all these characteristics simultaneously is called living organism, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी definition आ जाती है। तो हम लोगों ने पहले लेक्चर के अंदर बेसिकली क्या डिस्कस किया है? बायोलॉजी को डिस्कस किया है, लाइफ को डिस्कस किया है और उसकी करैक्टरिस्टिक को डिस्कस किया है, और उन करैक्टरिस्टिक की बेसिस पे हम लोगों ने जो है वो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो डिफाइन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग जो है बायोलॉजी की ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह जो है वो फिर इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इट फॉर फर्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।